हेलो प्रिंस, राम राम सबको। तो अब हम आ गए हैं रिजगा कट करने के लिए। रिजगा लेके जाएंगे गाय और भैंस इन सब के लिए। तो सृष्टि भी मेरे साथ आई है। सृष्टि सबको राम राम करो। राम राम सीताराम सबको। और सृष्टि की छुट्टियां हो गई है, कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो गई है। सृष्टि ऑनलाइन क्लास ही लेती है। तो ये आज मेरे साथ रिजगे के अंदर आई है। रिजगा कट करने तो देखते हैं, कैसे कट करते हैं। चलो। आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है और सर्दी बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं रिजगा काट लेती हूँ, क्योंकि फिर गुड़िया को सुला के आई हूँ तो गुड़िया जग जाएगी, इसलिए जल्दी सी रिजगा लेके और गाय भैंस को डाल देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अभी मम्मा रिजगा काटने वाली है। मम्मा बहुत तेजी से रिजगा काटती है। मम्मा अभी बहुत बड़ी हो गई, इसलिए बहुत तेजी से काटती है रिजगा। अभी मैंने भी रिजगा काटा था, आपको दिखाऊं क्या? वो रहा मेरा रिजगा, देखो कितना सारा रिजगा है दोस्तों। बड़ी हो गई, देखो दोस्तों। अभी और नहीं निकालेंगे, अभी घर चलेंगे। देखो दोस्तों, अभी रिजगा लेके घर चलेंगे हम। हमारा घर दिखाऊं? बोरा हमारा घर, ऊपर पोल है, नीचे ऊपर एरोप्लेन है। और हमारा चाची का घर दिखाऊंगी? ये देखो चाची का घर। देखो दोस्तों, बहुत सारा अच्छा मौसम है। देखो दोस्तों, बहुत अच्छा मौसम है, धूप भी निकली हुई है। तो बने रहे मेरे वीडियो। ये मैं हरा चारा लेके घर पे आ गई हूँ और अब भैंस को डालने वाली हूँ। और अब पाडी को डाल रही हूँ। ये हम इतना सारा हरा लेके आए थे। गाय को डाल देती हूँ। आधा डाल दिया है, आधा थोड़ी देर बाद में डाल देंगे, क्योंकि एक साथ में ये खराब कर देते हैं, अच्छे से खाते नहीं हैं। और अब मैं इन सब का गोबर फेंक देती हूँ और ये गाय के लिए बंटा मैंने पहले से बना के तैयार कर दिया है, और जब दूध निकालेंगे तो गाय को खिला देंगे। हेलो गाइस, अब है दोपहर का समय और मैं आई हूँ लकड़ियाँ लेने के लिए, क्योंकि हम लोग अभी चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं और लकड़ियाँ भी खूब सारी लेके जानी पड़ती है, क्योंकि सब लोग सुबह शाम आग जलाते हहैं और अपने हाथ सेकते हैं, इसलिए हमें खूब सारी लकड़ियाँ तोड़नी पड़ती हैं। छोटी छोटी करके लेके जाते हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रखी हैं। सर्दियों के मौसम में खेजड़ियों की जो लकड़ी होती है उसको
काट के हम इकट्ठा कर लेते हैं और पूरे साल तक उसको काम में लेते हैं। सर्दियों के मौसम में लकड़ी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। गाँव में गैस कम ही यूज़ करते हैं हम लोग, ज़्यादा चूल्हे पे ही काम करते हैं। गैस की बजाय चूल्हे पे खाना ज़्यादा स्वाद बनता है। अब तो धीरे धीरे लोग गैस का यूज़ ज़्यादा करने लगे हैं, लेकिन हम अभी तक कम ही करते हैं गैस का यूज़। मैंने लकड़ी तोड़ ली है और इसको हमारे किचन में लेके जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने लकड़ी रख दी है और इस प्रकार के छोटे छोटे रूटे भी। अभी मैं पशुओं का गोबर डाल रही हूँ। ये गोबर डालने का स्थान है, हम इसको कुल्डी बोलते हैं। यहाँ पे हम गोबर इकट्ठा करके फिर खेत में डालते हैं इसको। इसे फसल बहुत अच्छी होती है। मैं बंटा पशुओं के लिए बंटा तैयार कर रही हूँ। हम जब पशुओं की ताज़ा डिलीवरी होती है तो उसको पका के ही बंटा खिलाते हैं ताकि उनको कोई प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इसमें बाजरा, गुआर, मेथी सब मिक्स है और इसमें गुड़ भी मिक्स करेंगे। इसमें मैं पानी डाल के रख रही हूँ कल बंटा बनाने के लिए।
पपटियों से बन रही हूँ, बैठी हूँ।